तो दोस्तों व्लॉग की शुरुआत जैसे होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही है, बिकॉज एक छोटी सी गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि हमारी बाइक का जो राइट इंडिकेटर है वो निकल गया है। एक्चुअली वो उसके अटैचमेंट से निकल गया है। एक्चुअली बाइक वहाँ पे पार्क थी और शायद किसी का धक्का लग गया। दोस्तों अभी हम आए शोरूम में, तो अभी हमारा जो इंडिकेटर निकला था वो ये भाई साहब लगा रहे हैं, और साथ में जो हम नंबर प्लेट टेम्परेरी नंबर प्लेट जो मिलता है वो हम उस दिन लगाना भूल गए थे, तो वो भी लगवा रहे हैं। सुजुकी इज़ अ जापनीज ब्रांड, सो इट इज़ वेरी रिलायबल। अगर कोई और होता तो ऑब्वियसली ये टूट चुका होता, इतना ज़ोर का धक्का लगा था। तो दोस्तों बाइक का काम तो हो चुका है, तो अभी हम ऐसे ही टाइम फ्री था तो घूमने के लिए आ गए। तो आप ही देख लीजिए हम कहाँ पे आए, और ये आपके सामने खुले समंदर का नज़ारा, ये है अलीबाग का मेन बीच। ये जो आप सामने देख सकते हैं ये है कुलाबा फोर्ट। एक्चुअली दिस फोर्ट इज सराउंडेड बाय वाटर्स फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स, लेकिन लो टाइड का जब वक्त रहता है तब आप इस फोर्ट में पैदल चल के भी जा सकते हो, पानी इतना पीछे चला जाता है। सो हर वक्त आपको बोट से जाने की ज़रूरत नहीं है, शायद वो कोई बीच में चल के जाने की कोशिश कर रहा था। एनीवेज, सो अगर आप देख सकते हो तो सामने आपको ये लाइट हाउस भी दिख रहा होगा, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट इट इज़ क्वाइट ब्लर क्योंकि दूर है थोड़ा ज़्यादा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वर्सोली बीच पे। अगर आप अलीबाग में आ रहे हैं तो आप इस बीच को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति रहती है, लाइक पेड़ और ये क्राउड भी कम रहता है, सो यू कैन विज़िट दिस प्लेस। तो दोस्तों अभी पुलिस यहाँ से सबको बाहर निकाल रही है, बिकॉज शाम हो चली है और इट्स अ लॉकडाउन टाइम, तो हमें भी यहाँ से अभी निकलना होगा, तो हम भी निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो जैसा कि आप अभी सुन सकते हो बहुत ही तेज़ ऐसी हवा चल रही है, और बस ये अलग ही बीच का माहौल बन जाता है इस हवा की वजह से स्पेशली। ये जो आप सामने देख रहे हो वो है उंदेरी फोर्ट, और उसके लेफ्ट में आपको अभी खांदेरी फोर्ट दिखा होगा। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी ने इस फोर्ट के नाम पे एक सबमरीन लॉन्च की, जो कि एक कलावरी क्लास सबमरीन है जिसका नाम है INS खांदेरी। मेरा ना पहले से ऐसा एक ड्रीम था, समुंदर किनारे अपनी बाइक ऐसे खड़ी करूं, बस यहाँ पे समुंदर किनारे आके अकेले बैठूं, इस चलती तेज हवाओं का मजा लूं, इस नज़ारे को देखता रहूं और शाम यूं ढलती रहे। ये सपने जो है वो सच होते हैं, लेकिन आपको उनकी तरफ आगे बढ़ते रहना होता है। आज दोस्तों अपनी बाइक के 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, ये तो बस अभी हमारे लिए शुरुआत ही तो है। आज हमने सिर्फ 100 किलोमीटर पूरे किए हैं, और ये तो बस सफर की शुरुआत है। ये हमारा यानी कि मेरा आपका हम सभी का जो सफर है वो हमेशा यूं ही चलता रहे, और आपका साथ यूं ही मेरे साथ बना रहे, यही बस मैं दुआ मांगूंगा। तो अभी हम गांव से थोड़ा बाहर आ चुके हैं, हमारे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो वो मैंग्रोव्स के पेड़ है, और राइट साइड में खेती देख सकते हो आप, और ये जो सीधा रास्ता है वो दूसरे गांव में जाता है। हम लोग है ना बचपन में इस जगह पे रात में आने से डरते थे, क्योंकि एक तो जगह गांव से दूर है और वही भूतों वाली कहानियाँ, ऐसे बोलते थे कि यहाँ पे भूत वगैरह रहते हैं,
तो बहुत डरते थे उस वक्त। ये जो रेलवे ट्रैक है ये सिर्फ दो कंपनियों के लिए बना है, एक है हमारे सामने JSW और हमारे पीछे की तरफ जहाँ पे ट्रैक जाता है वो है RCF, जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे जैसे आप देख सकते हो पहाड़ों की गोद में बैठा हुआ ये मेरा खूबसूरत सा गांव है, और बहुत ही खूबसूरत ऐसी जगह आसपास घूमने के लिए भी है। और ये जो आप सामने देख सकते हो वो है JSW का स्टील प्लांट। सो गाइज वी आर बैक टू होम एंड इट्स टाइम टू टेक लीव। सो बिफोर दैट लाइक करना ना भूले, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, और आपको मेरी ये बेस्ट कैसी लगी ये ज़रूर बताएं।